नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो लोग लव रिलेशनशिप में है लेकिन नो कांटेक्ट, या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, या शादीशुदा है, जो भी है, नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन अगर आपका है या फिर सेपरेशन वाला सिचुएशन है, जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से एक्वेरियस हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। देख लेते हैं एक्वेरियस, और ये कोई क्रॉस वॉचर भी देख सकते हैं, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। किसी को रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन है, आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स देखेंगे। ये रीडिंग होगी 21 से लेके 21 से लेके 27 तक। पर्सन की करेंट फीलिंग्स, टू ऑफ सोर्स, डेथ, सेवन ऑफ सोर्ड्स। पहले बता दूं, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई जेमिनाई, कोई एक्यूरियस, कोई लिब्रा हो सकता है, जेमिनाई लिब्रा एक्यूरियस में से कोई हो सकता है। ये जो पर्सन है ये अभी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, बहुत हो सकता है इनके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। हो सकता है ये चीजें छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपनी दर्द भी हो सकता है ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा बहुत ज्यादा इंडिसाइसिव है, टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, इंडिसाइसिव है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ये बंदा अपनी सोच से परेशान है, हो सकता है इनका जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक्ड है, ये सोच नहीं पा रहा है क्या करना है ये नहीं करना है। ये इनके तरफ से कोई भी चीज, हो सकता है कोई आपके साथ रिश्ता भी हो सकता है, या फिर कोई और रिश्ता, कोई और चीज जो इनके लाइफ में सेम इम्पोर्टेंट रखता हो, वो कोई चीज या तो ये खत्म करना चाहते हैं और किसी एक चीज पर अपना जो कंसंट्रेशन है उसको रखना चाहते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, जो मानसिक जो स्टेबिलिटी है उस पर देना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। और ये किसी ऐसी चीज को खत्म करना चाहते हैं जो खत्म होना भी जरूरी है, अगर ये खत्म नहीं होता है तो नया कुछ शुरू नहीं होगा। ये अपने स्थिति से परेशान है और कुछ छुपते फिर रहे हैं, कुछ बातों को अपनी अपनों से छुपा रहा है, हो सकता है आपसे छुपा रहा है, या अपने दर्द को छुपा के घूम रहा है बंदा या बंदी, क्योंकि इनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो रहा है। किसी एक चीज को इनको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके इनके लाइफ में जो परिस्थिति है वो चेंज होंगे, क्योंकि डेथ के कार्ड आए हैं। डेथ के बाद न्यू बिगिनिंग होता है ये हमें पता है, लेकिन कैसे छोड़े ये पर्सन, इनके पास दोनों के दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये इंडिसाइसिव है, इनका जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक्ड है, और ये इस वजह से अपने दर्द को, अपनी परेशानी को छुपा के फिर रहा है। या तो इसे खत्म करना पड़ेगा,
या फिर इसको एक सही डिसीजन लेके आगे बढ़ना पड़ेगा जो ये अभी नहीं कर पा रहे हैं। परेशान है बंदा। अभी हम देखेंगे कि ये आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके पोषण आपसे क्या चाहते हैं। आपके पोषण आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस आपसे आपके पोषण आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। पहले ही मैंने कहा कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है, कोई कैंसर भी हो सकता है, कोई स्कॉर्पियो हो ही सकता है क्योंकि हाइलाइटेड कार्ड जो है स्कॉर्पियो का है। ये बंदा आपसे क्या चाहते हैं, बंदा या बंदी एक्यूरियस, ये आपसे बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप अपना इमोशन को कंट्रोल ना करें। जिस तरीके से आप अपना इमोशन कंट्रोल कर रहे हो, अपने आप में बिजी दिखा रहे हो, वैसे आपका कितना इमोशन है, आप क्या सोच रहे हो, इनको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप जो हो अपना इमोशन को कंट्रोल करके बैठे हुए हो। आप अपने काम में बिजी हो, अपनी स्टेबिलिटी पाने में बिजी हो, ये चीज उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप बैलेंस तरीके से रिश्ते में रहे, उनको सही वक्त दे, प्यार दे, अगर पैसों की जरूरत है तो वो भी दिया करे, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए, जो वक्त जो प्यार जो इमोशन चाहिए वो ही दिया करे। एक तो आप अपने इमोशन को भी छुपा रहे हो, दूसरा जो है आप खुद की स्टेबिलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, तो प्यार के लिए आपके पास वक्त नहीं है। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप एक सही फैसला लें। अगर आप इनके साथ रिश्ते में रहना चाहते हो, प्यार करते हो, तो हमेशा अपनी स्टेबिलिटी, अपना खुद का जो ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर, सेल्फ डिपेंडेंसी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप किसी रिश्ते में होते हो, उस रिश्ते में भी थोड़ा वक्त आपको देना पड़ेगा जो आप आजकल नहीं दे रहे हो। आप अपना इमोशन हाइड कर रहे हो, तो आप ऐसा ना करें, आप रिश्ते को बैलेंस करें, क्योंकि ये बंदा परेशान है, कुछ और परेशानी भी हो सकते हैं इनके दिमाग में, तो इस वक्त उनको आपकी जरूरत है और आपको, कि अपना इमोशन कंट्रोल करके बैठे हुए हो। अगर आपके लाइफ में कोई और है, या फिर आपके पास काम की प्रेशर है, आपको अपनी पोजीशन का ख्याल है, फिर भी अगर आप रिश्ते में हो तो रिश्ते के लिए भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा और उनके साथ आपको वक्त देना पड़ेगा। अपनी इमोशन को आप इस तरीके से हाइड करके रिश्ते में रहने से उनको तकलीफ हो रहा है। देख लेते हैं एक्यूरियस, अगर आपके पर्सन खुद से कोई एक्शन लेता है तो वो क्या एक्शन ले सकता है। एक्यूरियस आपके पर्सन अगर खुद कोई एक्शन लेता है तो वो क्या एक्शन लेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन अगर खुद कोई एक्शन लेता है तो ये क्या एक्शन ले सकते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ये परेशान है तो पहले से ही दिखाई दे रहा है। या तो आप रिश्ते को खत्म करो ऐसा ये सोच रहे हैं, या तो रिश्ते की दर्द को खत्म करो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
देखो ये आपके साथ, अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या है, देखो बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड आया, ये रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं चाहते हैं जिस तरीके से आप उनको अटेन कर रहे हो, उस तरीके से नहीं। पहले ये बंदा रोना धोना कर सकता है, फिर उनको लगेगा कि मुझे कोई डिसीजन ले लेना चाहिए, ये आपके तरफ एक स्टेबल ऑफर के साथ आएगा भी, लेकिन आने से क्या होगा अगर आप उनको उस तरीके का कोई भी अटैचमेंट नहीं दिखाते हो, अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, अगर इनके पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, तो एक जो बंदा है जो इसमें पीस रहा है, चाहे आपके पास ऑप्शन कोई बंदा या बंदी की ना हो, जॉब आपके लिए प्रायोरिटी हो सकता है, आपके परिवार प्रायोरिटी हो सकता है, आपका कोई बिजनेस आपके लिए प्रायोरिटी हो सकता है, लेकिन इसमें इस पर्सन को भी तो आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो ये बंदा सोच रहा है, बंदा या बंदी जो भी है, ये आपके तरफ आएंगे एक स्टेबल ऑफर के साथ, लेकिन फिर इनको लगता है कि मैं आऊंगा अगर ये एक्शन लेते हैं, अगर आप उनको इग्नोर किए तो ये आपके तरफ आएंगे, लेकिन आप उनको इग्नोर ना करें, इस बात का भी उनको थोड़ा डर है कि क्या ये मुझे अगर इग्नोर करते हैं, अगर मैं खुद से उनसे बात करने जाता हूँ या जाती हूँ और ये मुझे उतना ही रेस्पॉन्ड करे जितनी मतलब कोई दोस्त वगैरह कर लेते हैं, आपने पूछा तो उन्होंने कहा, आपने कहा तो उन्होंने कहा, इस तरीके का अगर आपने डिसीजन नहीं लिया, अगर आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि आप जो हो सकता है आप अपने काम में बिजी हो, अपने पास और काम है, आपके पास और जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये बंदा या बंदी खुद को भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी मानता है, तो ये आपके तरफ आ रहे हैं स्टेबल ऑफर के साथ। हो सकता है ये थोड़ा वक्त ले, लेकिन आएगा, तब आपको उस उनकी वेलकम करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो भी आए, आप भी अपने काम में बिजी रहे और आप भी अपने तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो ये हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मन ही मन ये आपके साथ तो रिश्ते में आना चाहते हैं, कितना भी आपका इमोशन आपसे छुपा रहा है, कितना भी कुछ कर रहा है, ये पेन में है, दर्द में है, आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल रिश्ते में आना चाहते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन वाला कोई बंदा या बंदी हो सकते हैं, कोई टॉरस हो सकते हैं, जो भी है, इंसान बहुत ज्यादा दर्द में है और आपको इस दर्द से उनको निकालना है। थोड़ा सा हमदर्दी दिखाइए, प्यार दिखाइए, रिश्ता सही हो जाएगा। कोई सजिटेरियस, कोई एरीज, लियो भी हो सकते हैं, वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, एनर्जी मैच होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे एक्वेरियस आपके लिए 21 से लेके 27 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें उनके एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है। इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी का तो यहाँ पर हेल्थ इश्यू है, चक्रास को बैलेंस करनी पड़ेगी। देखो मैंने अभी अभी कहा था कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स में आया था, जब मैंने कहा था कि आपकी पर्सन की जो क्राउन चक्रा है वो ब्लॉक्ड है, इसका मतलब आपको मेडिटेशन की जरूरत है। तो हो सकता है कि जमीना, सॉरी एक्यूरियस, आपको भी हीलिंग की जरूरत है, तो इसीलिए एंजल आपको गाइड कर रहा है कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप इंडिसाइसिव हो, देखो इसमें 7 चक्रा की जो पिक्चर लगा हुआ है, इस चक्रे को, इस सब हमारे बॉडी में जो चक्रास हैं उसको आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो परेशानी है वो खत्म हो सकता है। हो सकता है आप भी खुद भी परेशान हो, तभी आप इनको सही तरीके का जो प्यार है, अपनापन है, वो नहीं दे पा रहे हो,
आप अपने परेशानी से जूझ रहे हो, ये अपने परेशानी से। तो जब तक आप खुद को ना हील कर पाओगे, तब तक दूसरों को क्या प्यार दोगे। पहले खुद से प्यार करें, खुद को हील करें, अपनी चक्रास को बैलेंस करें, अपनी परेशानी से बाहर आए और उनको भी स्वस्थ होने में, मेंटल पीस लाने में उनका हेल्प करें। आप खुद का भी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।